अभिनेता से राजनेता बने कमल हासन ने कहा कि वो सरकार की निष्क्रियता के बारे में शिकायत सुन सुनकर थक चुके हैं और शासन की नीति में बदलाव लाना चाहते हैं। हासन ने रविवार को अमेरिका के हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के भारतीय सम्मेलन में अपने मुख्य संबोधन में कहा, 21 फरवरी 2018 को मैं अपना राजनीतिक सफर शुरू करूंगा। मैंने तमिलनाडु के सभी जिलों के एक गाँव को दृष्टि और आकांक्षा के साथ गोद लेने की योजना बनाई है, ताकि पहले उसे भारत और बाद में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गाँव बना सकूँ। उन्होंने कहा, इसलिए पहले कदम के रूप में हम एक गाँव को लेंगे और उसकी बेहतरी के लिए फिर एक कल्पना करेंगे, बाद में हम इसे राज्य भर में लागू करेंगे। जरा हमारे गाँव में दोबारा से कल्पना कीजिए, जरा हमारे समाज के बारे में दोबारा से कल्पना कीजिए और तमिलनाडु व भारत की भावी पीढ़ी पर उसके अंतिम प्रभाव के लिए छोड़ दीजिए। अपने राजनीतिक कदम के साथ वो पैसों से कुछ ज्यादा मूल्यवान की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, उत्कृष्टता की खोज में आपके विचार, कल्पना और बुद्धि, हमारे गाँव की दोबारा से कल्पना, आपका समय और सहभागिता मददगार है। मेरा राजनीतिक अभियान हार्वर्ड में अपने तमिल महिला और पुरुषों के साथ एक मस्तिष्क विश्वास बनाने की आकांक्षा के साथ यहाँ से शुरू होता है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।